हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेनेट ऑफ फिजिक्स वाला, मेरा नाम उमर। आप देखना शुरू कर चुके हैं ये प्यारी खूबसूरत सी कॉलेज रिव्यू की सीरीज, जहां पर हम चर्चा करते हैं बेहतरीन कॉलेजेस के बारे में। आज तो भैया आपके लिए लेकर के आए हूं बहुत ही शानदार सा कॉलेज। आपकी बहुत डिमांड थी इस कॉलेज के बारे में, अच्छी बात है, आप डिमांड करते रहेंगे तो हम यहां से आपके लिए सप्लाई ला पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त कॉलेज के बारे में आज चर्चा होगी, ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। समझ में आ गया होगा कि वो क्या पढ़ाने वाले हैं, ठीक है जी। और एक बात जानिए, फीस लगती है कुछ नहीं, नो ट्यूशन फीस, उल्टा आपको 5,000 रुपये महीने एक्स्ट्रा भी देंगे, 3,000 रुपया साल भर में एक बार और देंगे, मतलब कि करीब करीब 63,000 रुपये आपको मिल जाएंगे जी। हाँ जी, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा, कैंपस कैसा है? बेहतरीन कैंपस है। इस कैंपस में वो बच्चे जाना ज़्यादा पसंद करेंगे जो मैथ से अलग ही लगाव रखते हैं। भैया उनको मैथ मिल जाए वही सॉल्व करते हैं, उनको मैथ खाली पसंद आते हैं, उनको केमिस्ट्री और फिजिक्स से ज़्यादा मतलब नहीं होता। ऐसे बच्चे यहाँ पर जा सकते हैं क्योंकि इनका जो टेस्ट पेपर होता है उनमें भी भैया वो मैथ ही मैथ पूछते हैं सिर्फ। समझ बात आ गई? अगर आपकी मैथ शानदार ज़बरदस्त है तो भैया यहाँ पर जाने की सोचिए आप, बढ़िया कॉलेज है, नंबर एक है ना। प्लेसमेंट भी अभी देखना, एकदम झटका लगने वाला तुम्हें प्लेसमेंट देख करके कि पैसा कुछ तो लग नहीं रहा, दे रहे हैं प्लेसमेंट इतना शानदार है ना। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट कहाँ तक गया था, 90 लाख पर एनम तक का हाईएस्ट पैकेज है। एवरेज पैकेज अभी देखना आपको 20 से 25 लाख के ब्रैकेट में कुछ दिखाई देगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेटा आगे आपको मिलेगा, कैंपस अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है, बाकी कुछ और सेंटर्स भी हैं जैसे बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड तेजपुर। एक ब्रांच कहाँ पे है, गिरडीह करके कोई जगह ही होगी जहाँ पे है, ठीक है। फिलहाल आपको क्या करना है, आपको पेपर देना है, सिलेक्शन पाना है, बाकी काम तो आप इसके बाद भी देख लीजिएगा। आइए अगली चर्चा करते हैं। ISI कोलकाता कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1931, मतलब कि एक पुराना सा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज। लोकेशन की बात करें तो नाम से समझ में आ गया होगा कि वेस्ट बंगाल में है, पब्लिक मतलब निश्चित रूप से सरकारी कॉलेज है, एरिया 30 एकड़। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो वैसे आपको लगेगा कैंपस साइज छोटा है, हाँ थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन एक बात समझिए कि बहुत ज़्यादा इनटेक नहीं है, बच्चे ही बहुत कम होंगे तो भाई जगह बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। आइए अगला देखते रहते हैं भैया यहाँ पे क्या है। 101 से लेकर के 150 रैंक के बीच में, मतलब इस स्लॉट में इनकी रैंकिंग आती है QS वर्ल्ड रैंकिंग में, समझ रहे हो। 22 सब्जेक्ट, इनका सब्जेक्ट क्या है भैया, स्टैटिस्टिक्स है, समझ गए ना बात। आइए अगला देखते हैं। देखिए प्रोग्राम ऑफर्ड के बारे में आपको बताता हूँ पहले, है ना, इसके बाद मैं और थोड़ा इस पर खुल के चर्चा कर पाऊँगा ताकि आप समझ पाएँ पहले बेसिक चीज़ क्या है। बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है ये ऑनर्स कराया जाता है ISI कोलकाता में, ये कहीं और नहीं होगा, ठीक है। जो आपने पीछे सेंटर्स देखे ना उनमें सिर्फ कहाँ है, ISI कोलकाता मतलब मेन हेडक्वार्टर में होता है। अगला क्या है, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर्स, ये चीज़ आपको मिलेगी ISI बेंगलोर में, ठीक है, ISI बेंगलोर में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना BSc मैथ है ना, बी मैथ बोलते हैं, B.Math, B.Stat करके लिखा रहता है, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो ISI कोलकाता में मिलेगा, ठीक है। और एक बात स्पेशली जान लीजिए, इनमें और इन दोनों में प्लेसमेंट नहीं होती। कैसी बात कर रहे हो भैया, फिर क्या फ़ायदा हुआ, आप तो इतनी बड़ाई कर रहे थे अभी, नालायक प्राणी। 3 साल के डिग्री वाले कोर्सेज जो होते हैं वो ज़्यादा आपको नहीं दिलवा पाएंगे प्लेसमेंट, उसके लिए या तो 4 साल या तो 5 साल की डिग्री लेनी पड़ती है। तो समझना कि बच्चे क्या करने होंगे आपको, कि यहां से बैचलर करना है, बैचलर करने के बाद यहीं से मास्टर्स में आपको इनरोल हो जाना है, ठीक है। जिस तरीके से बी स्टैट्स में आप जाएंगे इसी तरीके से एम स्टैट्स भी यहाँ पर होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, वो उन्हीं की वेबसाइट से हमने कट उठा लिया है कि अंडर ग्रेजुएट के बारे में इन्होंने बता दिया है ना। ये कहाँ का की बात कर रहा हूँ, ISI कोलकाता की। तो पोस्ट ग्रेजुएट देखना कृपया, मास्टर ऑफ स्टैटिस्टिक देख लीजिए, मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स देख लीजिए, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस इन समथिंग समथिंग जो भी लिखा है, कुल मिला के इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ा देंगे, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह पढ़ा देंगे। इनका फ़ायदा क्या होगा, इनका फ़ायदा क्या होगा, कौन लेके जाएगा भैया, ये पढ़ तो लिया सर मैथ, हमें नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी। तो आपने डेटा एनालिटिक्स का नाम सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, स्टैटिस्टिक्स एनालिस्ट का नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे नाम, तो ये ज़रूरत पड़ती है भैया कंपनीज में। ये करते क्या है, अरे भैया भर भर के डेटा रहता है ना, उन डेटा को क्या करना, कंपाइल करना है, लैंग्वेज के फॉर्म में लाना है, ग्राफ के फॉर्म में लाना है, ताकि ईजिली समझ पाएँ। ये तो मैं बहुत छोटा सा हिस्सा बता रहा हूँ, बहुत बड़ा काम है इनका, ठीक है, ओके। तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये सब आते हैं, लेकिन वो टेक के लिए नहीं आते, इस चीज़ के लिए आते हैं, डेटा साइंटिस्ट को यहाँ पर क्या करने भैया, अपने यहाँ प्लेस करने के लिए लाते हैं, प्लेसमेंट के लिए आते हैं।
पढ़ लेना भैया, देख लो क्या क्या है भैया यहाँ पे, जो इंडस्ट्री को जरूरत है समझ लीजिए वो सप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, इसीलिए इतना बढ़िया प्लेसमेंट होता है। बस ये सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट का एक इकलौता मतलब है कि जो इंडस्ट्री को चाहिए वो ये चीज़ दे पा रहे हैं, और ऐसा कॉलेज यार मेरे को तभी ज़बरदस्त लगता है। पढ़ाओ कम से कम कुछ ऐसा जो काम आ जाए बच्चे को जीवन में। अगला देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स। एक बात जानना, ये वाला जो है ना, इसको तीन कॉलेजेस ने मिलकर के बनाया हुआ है। आप इसको देखोगे तो ये चीज़ आपको कहाँ कहाँ दिखाई देगी, एक तो आईएसआई कोलकाता के वेबसाइट पे भी है ना, ये आईआईटी खड़गपुर की वेबसाइट पे भी है, आईआईएम कलकत्ता के भी वेबसाइट पर है। तो यहाँ से आप समझ लीजिए इन तीनों का एक ज्वाइंट क्या है भैया, ये कोर्स ऑफर किया जाता है आपको यहाँ पर। इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा अगर आप इसमें जाते हो तो, इसके लिए आपकी बाकायदे फीस वगैरह लगती है, बात समझ में गई, इससे फीस वगैरह लगती है। हाँ, कैंपस सिलेक्शन होता है, बढ़िया वाला प्लेसमेंट भी होता है इनमें, है ना। तो देख लीजिए, आप समझ गए होंगे कि क्या फ़ायदा होगा। एक तो आप यहाँ पर क्या करिए, आप यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स भी सीख लेंगे क्योंकि आप आईएसआई कोलकाता में होंगे, फिर जब वो इंटर्नशिप वगैरह के लिए आईआईटी खड़गपुर भेजेंगे तो थोड़ा टेक पार्ट सिखाएंगे आपको। अब देखिए भैया, मैनेजमेंट में बुद्धि लग जाएगी आपकी, तो एक तरीके से सब कुछ सीख जाएंगे यहाँ पर आप अगर जाते हैं इस कोर्स के अंदर, ठीक है। फिलहाल आपकी चर्चा जो है वो क्या है, बी स्टैट्स एंड एम स्टैट्स पर है, या बी मैथ या एम मैथ पर है, मास्टर्स इन मैथ पर है। बात ठीक ठाक है, यस सर, समझ में आ गया क्या बताना चाह रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर देते हैं, एग्जाम कब होने वाला होगा, इसके लिए बाकायदा एग्जाम होता है। 11 मार्च से इसकी शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन भैया देख लीजिए एप्लीकेशन 5 अप्रैल को ही इसका क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। भैया आपने बताया ही नहीं, पहले बताना चाहिए था, मैंने भैया कम्युनिटी पोस्ट करवा दिया था, ठीक है। ये रहा आपका कम्युनिटी पोस्ट, भैया सावधान रहा करिए, जेई वाला चैनल पे रहें अगर तो देखा करिए कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे। जब से मैं कॉलेज रिव्यू बनाना शुरू कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हर वो कॉलेज जो बेहतरीन है उनके बारे में आप जानें ना, नहीं तो हर बार यही लग रहा होता है कि आईआईटी ही सबसे बढ़िया चीज़ होती है, है ना, एनआईटी सबसे बढ़िया चीज़ होती है, क्योंकि हम आईएससी के बारे में कभी सुना नहीं होता, आईएसआई के बारे में हमने सुना नहीं। हाँ, निश्चित रूप से ब्रांड के हिसाब से अगर देखोगे तो आईआईटी अच्छा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना वहाँ जाया जाए। अब से जिस बच्चे को सिर्फ मैथ आती है ढंग की, वो कहाँ जाए, वो तो आईआईटी जा नहीं पाएगा, तो उसके लिए भी तो कोई कॉलेज होना चाहिए ना। बात तो सही है, तो इसके लिए भैया आपको कहाँ जाना है, यहाँ आईएसआई कोलकाता में जाना है। अगर कोई ऐसा है जो केमिस्ट्री को बहुत पसंद करता है तो वो कहाँ जाएगा, महाराष्ट्र का कॉलेज है ना, उस केमिकल इंजीनियरिंग वाले कॉलेज में जाएगा, सिर्फ जहाँ पे सिर्फ केमिस्ट्री की बात होने वाली है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है भैया, आईएसआई एडमिशन टेस्ट, जो कि 14 मई को आपका ये एग्ज़ाम लेगा, ठीक है। आपका एडमिशन टेस्ट होगा जी 14 मई को, अगर आप इनके यहाँ जाना चाहते हैं तो। आईएसआई एडमिशन टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होता है, और इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तब आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। और एक बात और जानिए, इसका जो पेपर वन है 2 शिफ्ट में ना, तो जो इसका पेपर वन होता है जब आप उसको पास करेंगे तभी आप पेपर 2 देने योग्य होंगे, अदरवाइज 2 की कॉपी चेक नहीं होने वाली है। यह कॉपी चेक हो गई जी जनाब, इसका पेपर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे पहले जे एडवांस का पेपर हुआ करता था जिसमें पूरा लिख करके आना पड़ता था, ऐसा कुछ कहानी यहाँ पे होती है। जब आप इनमें भी सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम जो 2 शिफ्ट में होगा वो 2 घंटे का होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इसमें सिर्फ मैथ आती है, सिर्फ मैथ आती है भैया जी, है ना। पेपर 1 30 MCQs आएंगे और पेपर 2 में 8 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे, और हर क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो 80 नंबर का ये हो जाएगा, और यहाँ एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो बात समझ में आ गई होगी कि भैया अगर आपने भर दिया होगा तभी आप दे पाएंगे अब, क्योंकि ये तो अब अपलोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले ही जेई वाला चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में डलवा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि भैया डेट एंड होने वाला है, उसे पहले डलवा देता हूँ, इसलिए मैंने 4 अप्रैल को ही डलवा दिया था। सावधान रहा करिए भैया थोड़ा, है ना। आइए अगला देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगने वाली है, है ना, कोई भी ट्यूशन फीस नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पीजी डिप्लोमा जो अभी बताया था मैंने, जहाँ पे हमने बताया कि था कि 3 इंस्टीट्यूट जो है कोलैबोरेट करके ज्वाइंट करके ये डिग्री बना रहे हैं, उनके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000 देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस फॉर ऑल एकेडमिक प्रोग्राम्स, ठीक है, जो अभी बताया कि भैया ये टेस्ट देना है, तो उसके लिए जो आप फॉर्म भरने जाएंगे तो जनरल के बच्चों को 1,500, जनरल फीमेल कैटेगरी के लिए ओबीसी एनसीएल एससीएसटी सब बच्चों के लिए 750 रुपये के फॉर्म आएंगे। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ तो बी स्टैट्स के स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड मिलती है 5,000 रुपये
हर महीने। अरे गुरुजी तो मज़ा आ गया, ये तो लग रहा हम बचा भी ले जाएंगे, घर से खर्चा भी नहीं लेना पड़ेगा। हाँ ऐसा ही होने वाला है, और आपको 3,000 रुपये पर ईयर भी मिलता रहेगा। ये जो ग्रांट होता है इससे आप क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्लास के लिए जो चीज़ें चाहिए वो खरीदिए, कैलकुलेटर खरीदिए, टेक्स्ट बुक खरीदिए, सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक खरीद लीजिए। अच्छा एक्चुअली क्या होता है, इनका आपको जमा करना पड़ता है कि आपने कहाँ से खरीदा है, वो बिल दिखाइए, ठीक है, तब आपको ये रुपये मिलते हैं। ठीक ठाक है ना मामला? यस। अगला देखते हैं, प्लेसमेंट की बात करें तो भैया जी अब मैं जो प्लेसमेंट की चर्चा करने वाला हूं इसमें मास्टर्स की ही डिग्री वाली चीजें हैं, क्योंकि मैंने बताया कि बैचलर की जो डिग्री है वो सिर्फ 3 साल की है, तो वहां पर कोई प्लेसमेंट नहीं होता। प्लेसमेंट यहां पे अलाउड सिर्फ मास्टर्स की डिग्री के बच्चों को है, ठीक है। तो अगर अगर क्या करना ही है, ऐसा नहीं कि बीएससी करके छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं है भैया, 2 साल और लगाओ, क्योंकि 5 साल की डिग्री लोगे तो हाईएस्ट पैकेज देख लो 89 लाख LPA तक का है। एवरेज पैकेज की बात करें तो भैया 25 से 26 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है, और मीडियम पैकेज की बात करें तो भैया जी 23 लाख रुपए। इसका मतलब है कि भैया जी 23 लाख रुपए के आसपास का आपका पैकेज बन जाएगा बिना कुछ पैसा इंस्टीट्यूट को दिए, तो कितना बढ़िया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है भाई। नहीं इससे तो बढ़िया ज़बरदस्त कुछ है ही नहीं। अभी तक तो मैं जादवपुर को मान रहा था कि यार जादवपुर में मतलब कम से कम, लेकिन जादवपुर में कुछ तो फीस ले लेते हैं इंस्टीट्यूट के नाम पे, ये तो वो भी नहीं ले रहे, हालांकि वहाँ भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। अब देखो भैया एम स्टेट्स है, एम एस क्यू ई है, बी टेक इन सी एस है ना, और अगला क्या है भैया एम टेक, ये जब अच्छा एम टेक है भैया, बी टेक पढ़ दिया मैंने, ये भी एम टेक, ये एम एस और ये रहा एम स्टेट्स। मतलब कुल मिला के मैं जो बात कर रहा हूँ वो क्या है, प्लेसमेंट में यही लोग एलिजिबल हैं, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, और इन्हीं के प्लेसमेंट के बारे में मैंने ऊपर चर्चा करी है, तो गलत मैसेज मत चला जाए कि भैया 3 साल की डिग्री में भी आप ये प्लेसमेंट निकाल पाओगे, है ना। अगला पढ़िए, टॉप रिक्रूटर्स इन इंटर्नशिप, और यही जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं यही कंपनीज आपको प्लेसमेंट के वक्त भी दिखाई देती हैं, तो अच्छे अच्छे कंपनीज यहाँ पे आती हैं, गूगल भी आता है यहाँ पे, ठीक है, जेपी मॉर्गन आता है, गोल्डमैन सैक आता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अगर आप टेक का कोई देख रहे हो कंपनी तो ये मैं सोचिए टेक पार्ट में जाने वाले नहीं, आपको बता दिया मैंने कि कहाँ जाएंगे आप, किधर के लिए आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। अगली चर्चा किस पर है भैया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 3 ईयर बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के लिए भैया 12th पास होना जरूरी है, और ध्यान रखें भैया मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये तो आपने ले ही रखा है, इसमें कोई शक की बात है ही नहीं, ये कोलकाता में मिल जाएगा। और 3 ईयर ये बैचलर इन मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर भी मैथ एंड इंग्लिश होना जरूरी है, कंपलसरी है। सीट मैट्रिक्स की बात करें तो भैया जी देख लीजिए इतनी सीट्स हैं, इन दोनों को मिला लीजिए, इतनी सीट्स देखने को मिलेंगी आपको, तो मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स भैया कम ही हैं, ठीक है। आइए अगली बातचीत करते हैं, बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ऐसा नहीं है, कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो देख सकते हैं, है ना, मैं हट जाता हूँ। ओके आइए अगला देख लेते हैं, अगली चर्चा भैया फैसिलिटीज़ पर, पढ़ करके देख लीजिए, लाइब्रेरी एट ISI कोलकाता वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन द कंट्री विद अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर्स। समझ में बात आ गई, मतलब बढ़िया सा लाइब्रेरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी भैया, रिसर्च वगैरह बहुत शानदार होता है यहाँ पे, है ना, रिसर्च बहुत ही शानदार होता है यहाँ पर, तो रिसर्च के लिए भी जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, तो बहुत कुछ बता नहीं रहा हूँ इस पर, ठीक है। आप इंडोर एंड आउटडोर गेम्स भी आप देख पाएंगे, स्विमिंग पूल मिल जाएगा। हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूँ तो देखिए भैया हॉस्टल की ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, वॉशिंग मशीन एट एवरी फ्लोर, हाँ ये हमारे यहाँ भी था, मेरे IIT दिल्ली में भी कुछ कहानी ऐसी ही थी कि मतलब 10-12 रूम के बीच में एक जो है वो वॉशिंग मशीन देते थे, धुलना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। सिंगल एकोमोडेशन टू ऑल स्टूडेंट, भाई भाई खतरनाक खतरनाक खतरनाक, ये कहीं नहीं है IIT बॉम्बे IIT दिल्ली कहीं नहीं देखने को मिलेगा ये चीज़, ये तो खतरनाक चीज़ है, समझ गए, नो टाइम रिस्ट्रिक्शन, ये बढ़िया चीज़ है ना, ये हमारे लिए यहाँ भी था, तो मैं ये जानता हूँ भैया ये हमारे यहाँ नहीं था यार, हमें 2 लोगों को एक रूम में रहना पड़ता था, हालांकि कोई मतलब बुरी बात नहीं थी, हमें तो पता भी नहीं चला कब गुजर गया पूरी ज़िंदगी वहाँ की जो कैंपस में थे, ठीक है। फुटबॉल खेलते रहना भैया, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आइए अगली बात कर लेते हैं, फेस्ट वगैरह भी होता है, ऐसा नहीं खाली पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको भैया यहाँ पे फेस्ट वगैरह भी मिल जाएगा अच्छा खासा। आइए अगला देखते हैं, नोटेबल एलुमनाइज, वैसे आपको बताऊँ बहुत ही शानदार एलुमनाइज हैं, और एक चीज़ और बताता हूँ, जो आप ऐसे समझिए कि दुनिया के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आपने नाम सुने होंगे, हार्वर्ड है, MIT है, इनके बहुत सारे प्रोफेसर जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं या स्टैट्स से रिलेटेड है ना, वो यहाँ से पढ़े हुए हैं, उनका या तो बैचलर अगर यहाँ पे किया है तो उन्होंने मास्टर जाकर के USA किसी यूनिवर्सिटी से कर लिया है, समझ रहे हो, फिर इसके बाद PhD करके वहीं पर वो प्रोफेसर हो गए,
समझ रहे हो बात को, तो इनके एलुमनाई बहुत ही शानदार है, मैं आपको बता रहा हूँ। रेनाउंड मैथमेटिशियन ये आपके सामने प्रस्तुत रहे। इनका शायद आपने नाम जरूर सुना होगा, सुब्रमण्यम स्वामी जी का। पॉलिटिशियन है, मतलब वाइब्रेंट हैं, अच्छे पॉलिटिशियन मान सकते हैं आप इनको, ठीक है। किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पार्टी वाइज में समझना इसको नालायक प्राणी। आइए अगला देखते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।